दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक जुनून के बारे में, एक पागलपन के बारे में, एक फैलाव के बारे में, जो जितना फैले उतना ही कम समझता है। एक माया के बारे में, एक ऐसा ग्रह जिसके पास केवल दिमाग है, दिल नहीं है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में, कि राहु कब जातक को चमत्कारिक रूप से अच्छा फल देता है और प्रत्येक भाव में राहु हो तो जीवन में कैसी घटनाएं घटित होती हैं। देखिए, राहु उन वस्तुओं का कारक है, उन वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है जिनसे ऋषि मुनि यानी जो बहुत विद्वान थे वो दूर भागते थे। भोग की वस्तुएं, धन, ऐश्वर्य, ठगी लगाना, छल, कपट, गुंडागर्दी, नजायज कब्जा, दंगे, फसाद, इन सब चीजों को राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु के पास केवल दिमाग है, दिल नहीं है, इसलिए इमोशंस यानी भावनाओं की कमी है। और जो काम दिमाग से किया जाए जिसमें इमोशंस ना हो तो उस काम में सफलता मिलने के जो चांस है वो बहुत भर जाते हैं। इसीलिए राहु का संबंध जब गुरु से होता है यानी देव गुरु बृहस्पति से होता है, या शुक्र से होता है, चाहे ज्योति संबंध हो जाए, चाहे दृष्टि संबंध हो जाए, तो राहु उनको अपना दिल बना लेता है। किसी भी ग्रह से राहु की ज्योति हो जाए, राहु उसको अपना दिल बना लेता है, लेकिन करता अपने दिमाग की ही है। मगर शुक्र और गुरु, इनका दिल, इनकी भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि राहु के दिमाग पर काबू कर सकती हैं। इसलिए दो ही ऐसे ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ये समझ ले कि राहु कुंडली में चमत्कारिक रूप से अच्छा फल कब देता है। देखिए, राहु राक्षस है। एक तो शुक्र की राशि में हो, दूसरी या सातवीं, और ये शनि का अजंता यानी शनि अपनी साढ़े सती में या अपने अशुभ समय में या अपने शुभ समय में भी जो काम करवाता है वो राहु से करवाता है। खास तौर पर साढ़े सती में जो अचानक घटनाएं घटित होती हैं
वो राहु से करवाता है। तो शनि इसका मित्र है, शनि की राशि मकर और कुंभ में अच्छा फल देता है। उच्च का इसको एक तो शुक्र की राशि वृषभ में और बुध की राशि मिथुन में उच्च का माना जाता है। और अनुभव में ये आया है कि इन दोनों राशियों में राहु शुभ फल देता है। इसके अलावा बुध की जो दूसरी राशि बची छठी, इसमें एवरेज है, बुरा हो तो अधिक बुरा नहीं, अच्छा हो तो अधिक अच्छा नहीं, ऐसा फल देता है। नौवीं राशि में नीच का मानते हैं कुछ विद्वान, आठवीं राशि में नीच का मानते हैं। आठवीं राशि में तो थोड़ा अधिक बुरा फल देता देखा गया है, नौवीं राशि में भी इतना अच्छा फल नहीं देता। गुरु की जो दूसरी राशि है बारहवीं, उसमें तटस्थ हो जाता है, यानी चुपचाप कर बैठ जाता है, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। बाकी जो राशियां बच गई पहली चौथी पांचवी, इसके साथ थोड़ा अधिक व्यय रखता और कई बार बड़ी बड़ी खराब घटनाएं, मानसिक चिंताएं दे सकता है अगर अशुभ प्रभाव में इन राशियों में बैठा हो। तो ये तो होगी राशियों की बात। इसके अलावा जब राहु कुंडली में किसी भी योग कारक ग्रह के साथ बैठा हो, योग कारक ग्रह वो होता है जो किसी लग्न में केंद्र का भी मालिक हो और त्रिकोण का भी मालिक हो। इसी लग्न की कुंडली में एक ही ग्रह केंद्र का भी मालिक हो और त्रिकोण का भी मालिक हो। जैसे तुला लग्न की कुंडली में शनि चौथे भाव का मालिक हो गया, पांचवे का भी हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो गया। इसी तरह वृष लग्न की कुंडली में नवम और दसम का मालिक हो गया, तो शनि इन लग्नों में जो कारक हो गया। इसलिए दो लग्नों सात लग्नों राहु के साथ शनि आ जाए। वैसे राहु शनि की युक्ति को इतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन इन लग्नों में खराब फल नहीं मिलता। इसके अलावा कर्क और सिंह, जिसमें हमने चर्चा की राहु अशुभ फल देता है, मगर इनके साथ अगर मंगल आ जाए कर्क और सिंह लग्न में, राहु के साथ मंगल आ जाए। कर्क और सिंह राशि की बात नहीं कर रहा मैं, लग्न की बात कर रहा हूं। कर्क और सिंह लग्नों और कहीं पर भी राहु के साथ मंगल आ जाए तो राहु शुभ फल देता है। मकर और कुंभ लग्नों, इसमें शुक्र केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है, तो राहु के साथ शुक्र आ जाए। वैसे भी राहु को और शुक्र का जो जोग है, जो ज्योति है, उसमें उसकी ज्योतिष में बहुत महिमा है, बहुत शुभ फल देती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राहु अशुभ भी पड़ा हो, 1 3 6 11, 1 3 6 11, इन भावों में अगर अशुभ प्रभावों में भी पड़ा हो तो अधिक अशुभ प्रभाव जातक को नहीं देता। शुभ प्रभावों में कमी आ सकती है, लेकिन अधिक अशुभ प्रभाव नहीं देता। इसके अलावा मेष लगन और वृषभ लगन, यानी लगन में
एक अंको या दो अंको, एक अंको या दो अंको, यानी पहला लग्न हो या दूसरा लग्न हो। तो राहु दूसरे घर में, नौवें घर में और दसवें घर में बहुत अच्छा फल देता है। मेष लग्न और वृष लग्न में राहु दूसरे घर में, नवम घर में और दसम घर में बहुत शुभ फल देता। इसके अलावा राहु पर गुरु और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा हो तो राहु बड़ी से बड़ी बदनामी से बचा लेता है। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा हो तो अनैतिक काम करवा देता है जातक से, लेकिन जातक पकड़ा नहीं जाता। शुक्र के घर में हो, शुक्र की राशि में हो, शुक्र के साथ जुती हो, अगर शुक्र के साथ जुती हो तो बहुत ही शुभ योग बन जाता है कुंडली में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सॉरी बिजनेसमैन की कुंडलियों में बड़े बड़े बिजनेस टाइकन्स जिनका व्यापार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है, उनकी कुंडलियों में राहु और शुक्र का योग देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर राहु बलि हो तो इतना धन देता है, इतना धन देता है कि कम से कम जातक की तीन पीढ़ियां खा सकती हैं। राहु से पूरा लाभ लेने के लिए खास तौर पर अगर शुभ हो तो और लाभ कैसे ले, पॉजिटिव लाभ कैसे ले, उसके लिए अपने जीवन में नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो। जैसे इंटरनेट हो गया, इसका यूज करिए। जिनकी उम्र अधिक का राहु अच्छा है, इंटरनेट सीखिए, यूट्यूब चलाना सीखिए, व्हाट्सएप चलाना सीखिए, फेसबुक चलानी सीखिए, और जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे एलईडी टीवी कोई नया आ गया, रेफ्रिजरेटर कोई नया आ गया, जितनी आपकी क्षमता है उसको खरीदिए, उसका यूज कीजिए। इसके अलावा राहु एक चार सात दस घर में हो, एक चार सात दस, यानी राहु केंद्र में हो और गुरु त्रिकोण में हो। गुरु किस में हो? पांच और नौ में। राहु नहीं चाहिए पांच और नौ में, राहु केंद्र में हो, गुरु त्रिकोण में हो, तो जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म ले। कितने भी गरीब परिवार में उसका जन्म क्यों ना हो, लेकिन इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि जातक इतनी तरक्की कर सकता है। एक और योग की बात कर लेते हैं। राहु छठे घर में हो और गुरु दसवें घर में हो, दसवें घर में गुरु आ जाए तो राहु की दृष्टि पांचवी गुरु पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि नौवीं राहु पर पड़ेगी। तो भाई कुंडली में बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, सभी सुख देने वाला योग। शत्रु भाव में राहु और कर्म भाव में गुरु बहुत भाग्यवानों की कुंडलियों में, जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे जो किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग देखने को मिलता। इसके अलावा राहु केंद्र में हो और उसके साथ त्रिकोण का मालिक हो, यानी एक चार सात दस घर में हो और उसके साथ पांचवें घर का
और नौवें घर का मालिक हो तो राहु बहुत अच्छा फल देता है। जा इससे उल्टो जाए, राहु पांच नौ में हो और इसके साथ केंद्र का मालिक हो तो राहु बहुत अच्छा फल देता है। यानी राहु केंद्र में हो और उसके साथ त्रिकोण का मालिक हो, जहाँ राहु त्रिकोण में हो और उसके साथ केंद्र का मालिक हो तो राहु जातक को बहुत अच्छा फल देता है। अब राहु की माया की बात करते हैं। प्रत्येक भाव में राहु क्या घटनाएं घटित करता है? सबसे पहले लग्न से शुरू करते हैं। पहले भाव में राहु हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, काम करने की एफिशिएंसी यानी काम करने की स्पीड गजब की होती है जातक में। यूनिक गुण होते हैं, ऐसे गुण जो किसी किसी में हो। इसके अलावा लग्न में राहु हो तो जातक को खुद को नहीं पता होता कि उसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यानी अचानक ही सब कुछ करता जाता है, मगर अधिक नुकसान नहीं होता। एक बात होती है कि मान लीजिए कोई कार्य 4 महीने को करना है, लेकिन उसकी चिंता आज ही जातक के मन में आ जाएगी अगर लग्न में राहु हो। फिजूल की चिंता रहता है, इनसिक्योरिटी की भावना। इनसिक्योरिटी की भावना से याद आया कि 1-5-9 में राहु हो, 1-5-9 ये तीन थमले हो गए जिन पर कुंडली खड़ी है। इनमें राहु हो तो सब कुछ होता है जातक के पास, मगर इनसिक्योरिटी की भावना, असुरक्षा की भावना होती है कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, सब कुछ होते हुए भी। इसी तरह पहले भाव में हो फिजूल की चिंता, इनसिक्योरिटी की भावना जिसके कारण पेट के रोग, IBS जिसे कहते हैं इरिटेशन बाउल सिंड्रोम, कि पता ही नहीं पेट की बीमारी का क्या कारण है, कभी कब्ज हो गई, कभी लूज मोशंस हो गए, तो पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स में सोज, ज्यादा सोज के कारण। सुख बहुत होगा जातक के पास, अच्छा धन होगा, मगर धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, देखता रहेगा अपनी बैंक की पासबुक्स को कि कितने पैसे हो गए, कल 1 लाख था आज 1.5 हो गया, फिर सोचेगा कि 2 कब होंगे, इस तरह की सोच देता है। अगर जिस घर में जातक का जन्म हुआ हो, जातक वो घर छोड़ दे या उसके माता पिता कोई दूसरा घर में रहना शुरू कर दे तो लग्न का राहु जातक के लिए बहुत ही शुभ हो जाता है, बहुत अच्छा फल देता है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में राहु हो तो पढ़ाई में, विद्या में 1 साल खराब हो जाए किसी भी वजह से, फेल हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोर्स गलत चूज कर लिया, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं बना तो कोर्स चेंज कर लिया। कई बार पढ़ाई छोड़ देते हैं फिर दोबारा से शुरू करते हैं, नौकरी करने के बाद फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो राहु दूसरे भाव में हो, अगर ऐसा हो जीवन में तो भाई बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। जो 1-2 साल खराब हो गए उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, खाने पर भी कंट्रोल रखना है और बोलने पर भी, तो सुखी रहोगे।
परिवार के सदस्य या आपके खानदान का कोई बंदा, खानदान का कोई व्यक्ति एक बार जीवन में आपको धोखा देगा, छल कपट करेगा आपके साथ, मगर उसके बाद आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। जानी जी भी अच्छे के लिए होगा। परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से कम मोह रखें, कम प्यार रखें। पड़ोस में जो ऑपोजिट सेक्स के लोग रहते हैं, कई बार उनकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, जिसके कारण लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, उनसे दूर रहें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, दूसरे भाव में राहु हो तो जातक के घर में या ऑफिस में या उसका व्हीकल दिन के समय चोरी होता है, दिन के समय चोरी करवाता है राहु दूसरे घर में। तो दिन के समय अपनी वस्तुओं का खास ख्याल रखें। जवानी में कभी कभी ऐसा मन करे कि घर से भाग जाऊं, घर से भाग कर ऐसा कर लू, या दूसरे भाव में राहु हो, कई बार जिंदगी से जा तक सब कुछ होते हुए भी कोई छोटी मोटी बात हो गई तो सोचता है कि जीवन में क्या रखा है, इससे अच्छी तो मौत है। तो ऐसे नेगेटिव विचार आए तो फौरन पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अच्छी चीजें सोचनी शुरू कर दे। इसके अलावा दूसरे घर में राहु हो तो दूसरे के धन की ठगी नहीं लगानी भाई। अगर दूसरे कोई भी धन दो नंबर से कमाओगे तो अपना भी ले डूबेगा। तीसरे भाव की बात करते हैं, तीसरे भाव में राहु हो तो जातक की सोच होती है धन आना चाहिए, जैसे तैसे कैसे, बाय हुक बाय क्रुक, नैतिक अनैतिक कोई भी ढंग हो धन आना चाहिए। चुनाव में विजय हासिल करता है, चुनाव में खुलकर धन बांटता है, खुलकर खर्चा करता है। तीसरे राहु हो तो जीवन में एक बार बदनामी होती है, उसके बाद आपका भाग्य आपका पूरा साथ देता है। तीसरे राहु वाले अपने भाई बहनों से अधिक मोह, प्यार, इमोशंस, होप ना रखें, अपना फर्ज पूरा करें जो आपका फर्ज बनता है, लेकिन उनसे कोई किसी बात की कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जिनके तीसरे राहु है, अगर वो कुछ लिखते हैं, कोई गाना लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, मीडिया की लाइन में है, जैसे इंटरव्यू वगैरह करते हैं किसी की, कम्युनिकेशन की लाइन में है, तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन इनमें इनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पैसा ना लाएं बीच में, तब आपकी रेपुटेशन उम्दा होगी। जब आप पैसे के चक्कर में किसी एक व्यक्ति का नाम चमकाना शुरू कर दोगे तो फिर आपको जो रेपुटेशन है उसमें कमी आएगी। तीसरे राहु हो तो दोस्त फालतू की मत दिखाएं, अगर दिखा दी कभी जाने अनजाने तो महंगी पार्टी दिखाई दी तो वहां से रफू चक्कर हो जाए, वहां से भाग लें, जा नरम पड़ जाए कि मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे भाव में राहु वाले जातकों में एक और खासियत होती है कि इन्हें अपने समय का ज्ञान हो जाता है
कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा है, आने वाले समय में जो घटनाएं घटेंगी इनके लिए शुभ होंगी या अशुभ होंगी, ये राहु का चमत्कार है तीसरे घर में। राहु तीसरे हो तो घर के मुख्य दरवाजे तीन नहीं होने चाहिए, यानी कि तीन दरवाजों से एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का घर है कि गली साथ लगती है तो तीन विंडोज, तीन खिड़कियां गली की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो भाई बंद करवा दो एक दरवाजा या एक खिड़की, तो राहु आपको अच्छा फल देगा। अगले भाव पर आते हैं, चौथे भाव में, चौथे भाव में राहु हो तो कभी ये मत सोचो कि मेरे पास अच्छा मकान होना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। कभी इच्छा ही ना करो, मकान का मोह ना करो, गाड़ी बड़ी गाड़ी का मोह ना करो। दूसरे की बड़ी गाड़ी देख ली तो मेरे पास भी हो, ये विचार कभी मत लाना मन में। तो देखिए राहु कैसे आपको अच्छा घर देगा, कैसे अच्छी गाड़ियां देगा। मगर अगर इच्छा रखोगे, कामना रखोगे तो फिर डिले होती जाएगी। जब सोचते सोचते आपका दिमाग उस पोजीशन पर आ जाएगा कि यार बहुत हो गया, अब जो है ठीक है, तब आपको वो चीज मिल जाएगी। इसलिए सब कुछ भगवान पर, हरी इच्छा। तो देखिए आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। माता पिता की सेवा करो, मगर इतना मोह ना रखो कि कोई अनमन हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, रात को नींद नहीं आई, इतना भी ना रखो। सेवा जरूर करो, आशीर्वाद जरूर लो, लेकिन वो आपको क्या देते हैं इसकी चिंता नहीं करनी। जमीन जायदाद के सौदे अचानक करो, कोई प्लानिंग नहीं कि जहां लूंगा तो रेट बढ़ जाएंगे, जहां लूंगा तो रेट कम हो जाएंगे। बिना प्लानिंग के लोगे तो रेट वाई बढ़ेंगे ही, प्रॉफिट ही होगा। बड़ी उम्र की स्त्रियों को दोस्त ना बनाए, किसी भी तरह का संबंध अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों से ना रखें। इसके अलावा धार्मिक नदियों में, जैसे गंगा जी होगी, ऐसी नदियों में स्नान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। पंचम भाव पर आते हैं, पंचम भाव में राहु हो तो पहले लड़की का जन्म हो घर में, लक्ष्मी आ जाए, बाद में लड़के का जन्म हो तो भाई ये बहुत शुभ संकेत है। एक लड़का अमूमन होता है जिनके पंचम भाव में राहु हो, अगर संतान के और योग अधिक शुभ ना हो तो एक लड़का पक्का होता है। संतान के रूप में जैसे जैसे आपकी संतान बड़ी होती है, उनमें आप अपना रूप देखोगे, अपने शौक पूरे हुए होते हुए देखोगे। जो शौक आप पूरे नहीं कर सके, आपकी संतान वो शौक पूरे करेगी और उससे आपका मन खुश होगा। पंचमे राहु हो, जीवन में कभी विद्या में रुकावट आ जाए, पढ़ाई में रुकावट आ जाए, एक साल खराब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन पर बात लगाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की कुंडली में है, अगर उनके माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई बिगड़ बात आ जाए तो भाई ये अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कभी बच्चे कहे कि मैंने कोर्स चेंज करना है, एक साल की फीस अगर भर भी दिया तो कोई बात नहीं, नुकसान उठा लो, कोर्स चेंज कर दो, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा साबित होगा। पंचम भाव में राहु हो, पेट पर तिल का निशान हो,
जब पीठ पर तिल का निशान हो तो पिछले जन्मों में आपने अच्छे कर्म किए हैं, इस कर्म में उनका फल आप भोग रहे हो। पंचम भाव में राहु हो तो लोग खुलकर आपका समर्थन करेंगे, जो आपके साथ खड़ा खुलकर खड़ा है, नहीं खड़ा है आपके खिलाफ है तो खुलकर आपके खिलाफ होगा। इसके अलावा पंचम भाव में राहु हो तो आपके दिमाग में धन कमाने के नए नए आइडिया देगा, और अगर वो इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। और माता की उम्र जितनी लंबी होगी उतने ही आपके आइडिया अधिक कामयाब होंगे, यानी माता की लंबी उम्र आपके लिए शुभ है। माता की उम्र आपकी तरक्की का पैरामीटर है, मापक है कि कितनी उम्र आपकी माता की है उतनी आप तरक्की करोगे। छठे भाव पर आते हैं, छठे भाव में राहु हो भाई, मैं भूल ना जाऊं, पेट के रोगों का खास ख्याल रखना है, खाने पीने का खास ख्याल रखना है। अगर ड्रिंक वगैरह करते हो तो उसके साथ अच्छी वस्तु खाएं, अच्छा भोजन खाएं, नहीं तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। छठे भाव में राहु अपने आप में एक राजयोग है, मगर एक बात कहना चाहता हूं, जिनके छठे भाव में राहु हो अपने पास कोई हथियार ना रखना, और कभी जीवन में किसी झगड़े में फंस जाओ, झगड़े का माहौल बन जाए तो कोई दूसरा बंदा हथियार निकाल ले तो वहां से भागने में ही बलाई जाए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, विजय ही मिलेगी। कोर्ट केस हो जाए अधिक परवाह नहीं करनी, ये सोचना है कि कोर्ट बने हैं तो केस तो होंगे ही, बिल्कुल परवाह नहीं करनी। धन अच्छा होगा, धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। इसके अलावा जीवन में कई बार आप बहुत बड़े रिस्क ले लेते हो, रिस्क ले लेकिन भाई कैलकुलेटेड रिस्क ले, सोच समझकर रिस्क ले, बुद्धिपूर्वक रिस्क ले, तो आपको रिस्क में भी कामयाबी मिलेगी। ननिहाल के साथ नाना नानी मामा मामी मौसी जो भी रिश्तेदार है ननिहाल के, कोई लेन देन नहीं, कोई अधिक इमोशंस नहीं। अगर अधिक इमोशंस रखोगे तो थोड़ा मायूसी का धक्के का झटके का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छठे भाव में राहु हो तो काला कुत्ता हो सके तो पाले, प्योर ब्लैक डॉग, बिल्कुल काला, जब काले कुत्ते की सेवा करे तो आपके लिए भाई अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में राहु हो तो जीवन साथी से अधिक मोह नहीं रखना कि चार दिन पत्नी मायके चली गई या चार दिन पति किसी ड्यूटी पर चला गया, पीछे दिल ही नहीं लगता, ऐसा नहीं रखना, अधिक मोह नहीं रखना, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपना फर्ज पूरा कीजिए, अपना धर्म निभाइए, अच्छी तरह से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए, लेकिन मोह नहीं रखना। यदि पोता पोती के लिए मत जोड़ो, जो आपके बच्चे हैं वो देखेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुद को के लिए जियो। इसके अलावा सप्तम में राहु हो किसी के बहकावे में मत आना, जीवन में संगति के कारण कोई दुश्मन दोस्त बनकर आपकी जिंदगी में आएगा और आपका नुकसान करेगा, तो अगर ऐसा हो जाए तो भी दिक्कत परवाह नहीं करना, उसके बाद आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। जिनके सप्तम भाव में राहु होता है
सरकार की कारें उनके रुकते नहीं है, चाहे बिजनेस में आनी हो, सरकारी कार्य रुकते नहीं है, पॉलिटिकल बंदों से अच्छे रिलेशन होते हैं तो सभी कार्य अच्छे होते हैं, समाज में भी अच्छा नाम होता है। एक तो आपने बिजली का काम खुद बिल्कुल नहीं करना, ऐसे नहीं कि चलो एक पेच ही कसना है, एक तार ही जोड़नी है, खुद ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। बिजली का कार्य खुद नहीं करना और किसी को मिलने जेल नहीं जाना, कम से कम कोशिश करो कि कोई जेल में हो उससे मिलने आपको जेल नहीं जाना। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टम भाव में राहु को शुभ मान ले अगर आपके गुप्त अंग पर तिल का निशान हो तो अष्टम भाव का राहु आपको बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा। बड़ी बीमारी आनी हो तो पहले संकेत देगा कि बचाव कर लो, इसलिए जब खराब सेहत की निशानियां मिलनी शुरू हो जाए तो फौरन चौकस हो जाओ। ससुराल से अच्छे संबंध रखें ताकि ससुराल से जरूरत पड़ने पर आपको लाभ मिल सके। कोई भी कार्य इस तरह का ना करें जिसमें बड़ी चोट का खतरा हो, जैसे किसी अंग के कटने का या अधिक चोट लगने का खतरा हो। तीखी चीजों से काम नहीं करना और कोई भी काम इस तरह का जिससे बड़ी चोट का खतरा हो वो नहीं करना। टू व्हीलर चला रहा हो तो हेलमेट पहननी है, इसका ख्याल रखना है। इसके अलावा अष्टम में राहु हो तो अपना जीवन जितना सीक्रेट रखोगे, जितना रहस्यपूर्वक रखोगे, किसी को पता ही ना हो क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कौन सा ऑफिस है, आपके दिल में जो है जुबान पर नहीं आना चाहिए, तो जीवन में तरक्की होगी और आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कामयाब नहीं होंगे। पुराने प्रेम संबंध को कभी भी रिवाइव न मत कीजिए, वरना बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और बुरा फंसोगे। जिनके अष्टम भाव में राहु है इस चीज से सावधान रहना है। आपके जो रिश्तेदार हैं वो समझेंगे कि आपके पास तो बहुत कुछ है, जितना कुछ है उससे दुगना तिगना समझेंगे कि आपके पास बहुत कुछ है, इसलिए ऊपर ऊपर से तो आपका मान सम्मान करेंगे लेकिन बीच में से जलेंगे वो आपसे, तो उनकी मीठी बातों में आकर भी भाई इमोशनल नहीं होना, कूटनीतिक ढंग से ही उनके साथ व्यवहार करना है। नवम भाव में आते हैं, नवम भाव में राहु की माया, अगर आपकी जांग पर चिल्ला है तो समाज में सम्मानित होंगे, बड़ी से बड़ी बदनामी से बचाएगा राहु, भाग्य साथ देगा। नवम भाव में राहु तब काम करता है जब जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भाग्य इतना बड़ा साथ देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास जे भी हो सकता था, लेकिन नवम का राहु अचानक से अनप्लान्ड बहुत बड़ा बड़े रूप से भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा अपने भाई बहनोई और साले, इनसे इमोशनली अटैचमेंट कम रखना, बुरा नहीं करना किसी का, अपना फर्ज निभाना है, हमने रिश्ता निभाना है, शान तप्त नहीं करना, लेकिन इनकी बातों में आकर कहीं हम अपना नुकसान ना करवा ले, इस चीज का ध्यान रखना है। विदेश से धन लाभ होगा, या तो खुद विदेश जाएंगे, या कोई रिश्तेदार जाएगा, या बच्चे जाएंगे,
विदेश से पैसा आएगा। अगर अचानक ही नाखूनों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, बाल झड़ने शुरू हो जाए, ये दोनों काम अचानक ही इकट्ठे और शुरू हो जाए, तो चेक कीजिए कि आपके घर में कोई जंग लगा हुआ लोहा तो नहीं पड़ा, खासकर कोई चाकू वगैरह तो नहीं पड़ा। तो अगर पड़ा है तो उसको बाहर फेंकिए, नहीं तो राहु शुभ फल देगा। नवम में राहु हो, नशों से जितना अधिक दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब दसवें भाव की बात करते हैं। दसम में राहु आ जाए भाई तो जातक पूरा कूटनीतिक होता है, दिमाग ऐसा कि इसको कोई समझ नहीं सकता। सरकारी नौकरी हो तो कैसे भी हथकंडे अपनाए, कोई ना कोई पावर हासिल कर लेगा, कोई ना कोई शक्ति हासिल कर लेगा, कोई ना कोई पोजीशन हासिल कर लेगा। अगर खुद बड़ा अफसर ना बन सके तो किसी बड़े अफसर के साथ, किसी बड़े राजनीतिक नेता के साथ काम कर लेगा। किसी का पीए बन जाएगा, किसी का ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इस तरह की व्यक्तियों के दसम भाव में राहु देखते हैं, यानी दसम में राहु हो तो राजनीति से लाभ, सरकार से लाभ और सभी तरह के कार्य करवा लेता है अपने, कोई भी ढंग बरते, बाय हुक चाहे बाय क्रुक, लीगल करे अलीगल करे, कानूनी करे गैर कानूनी करे, मगर सभी कार्य करवा लेता है। मगर भाई एक बात का ध्यान रखना है, दिमाग आपका कूटनीति का है, लेकिन सभी से मत बिगाड़ना, लोगों को अपने हाथ में रखना, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे बड़े बड़े, जिनसे निकलना बहुत मुश्किल होगा। निकल तो जाओगे लेकिन मानसिक चिंता बहुत होगी, जिसके कारण हार्ट की बीमारियों का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए लोगों को अपने हाथ में रखो, सभी से मत बिगाड़ो। किसी ने आप पर एहसान किया उसका एहसान नहीं भूलना कि इसने मेरे ऊपर एहसान किया है। किसी भी फील्ड में हो, टॉप लेवल पर होगे, लेवल भी टॉप का होगा और घर का जो मेन एंट्रेंस का दरवाजा है उसको भी आप ऊंचा रखना, यानी कम से कम 15 फीट का रखना। जितना ऊंचा आपका रुतबा उतना ही ऊंचा घर का दरवाजा होना चाहिए, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। 11वें भाव पर आते हैं। 11वें भाव में राहु हो तो अपने मित्रों का अच्छा सोशल सर्कल होगा आपका, बड़े बड़ों से, अगर छोटों से भी हो वो भी जरूरत में आपके साथ खड़े होंगे। उनका जो समर्थन लेना है गुप्त रखो, गुप्त रूप से लो, तो आपके दुश्मन दबे रहेंगे। सोशल सर्कल सीक्रेट रखिए बिल्कुल। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी लाभ होगा, और कोई प्रॉपर्टी ले ली उसकी कीमत भी एकदम बढ़ सकती है, उससे भी आपको लाभ होगा। धन अच्छा होगा, धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा, समाज में अच्छी प्रसिद्धि होगी, अच्छा मान सम्मान होगा। लेकिन फिर भी भाई एक कमी देखी गई है, 11वें राहु हो सब कुछ होता है, मन में खुशी थोड़ी कम होती है। तो खुश रहने की कोशिश करो भाई, अधिक कमाने के चक्कर में मत पड़ो। पहले ईश्वर ने जितना दिया उससे थोड़ा खुश रहो, थोड़ा समय निकालो, ऐसे कार्य करो जिससे मन को खुशी मिलती है। सेल्फ मेड इंसान होते हैं जिनके 11वें भाव में राहु हो,
जीवन में सब कुछ देखा होता है उन्होंने। इसके अलावा अपने दामाद से और अपनी बहू से ज्यादा इमोशनल मत हो, टू द पॉइंट बात करो उनसे, अधिक मोह नहीं दिखाना उनसे, वरना आपकी इमोशंस का हो सकता है वो नजायज फायदा उठा ले। तो जितना उनको देना है पहले ही दिमाग में सोच कर रखिए कि दामाद को इतना देना है, लड़की को इतना देना है, बहू को इतना देना है, बेटे को इतना देना है, दान इतना करना है। पहले ही दिमाग में रखिए, उसी हिसाब से चलिए। अचानक इमोशंस में आकर बड़े बड़े वादे मत कीजिए इनके साथ, नहीं तो निभाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। पिता की डेथ के बाद जितना अधिक सोना मिले उतना आपके लिए उत्तम है। हो सके तो धन कम लेना, सोना अधिक लेना। जब बंटवारा होता है ना जायदाद का, तो सोना अधिक लेना, तो इससे आपका राहु अच्छा बना रहेगा। एक भाव रह गया बारहवां, जल्दी से भाई उसकी की भी बात कर लेते हैं। बारहवें भाव में राहु क्या माया दिखाता है? तो बारहवें भाव में राहु हो तो अपने पांव चेक करो, ऊपर भी और नीचे भी, देखो कि तिल का निशान है। अगर तिल का निशान है तो बड़ी चोट से, बड़ी दुर्घटना से आपका बचाव कर देगा ये, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स के चक्कर से बचाएगा जहां तक हो सके, कम लगेंगे आपके चक्कर। बाहर में राहु हो तो विदेश से, फॉरेन की भूमि से धन लाभ होगा, पड़ोसियों से इस तरह बिहेव करो कि जैसे आप बहुत बड़े इंसान हो, बहुत कुछ है आपके पास। अपनी कमियां मत बताना कभी भी अपने पड़ोसियों को, नहीं तो हादसे का पात्र बनाएंगे आपको। अगर कभी बुरे सुबह पर आते हो या सुबह पर में डर जाते हो, सांप वगैरह दिखाई देते हो, तो राहु का दान कर देना, नारियल जल प्रवाह कर देना शनिवार शाम के समय बहते पानी में, बीमारों को दान देना सबसे उत्तम रहेगा। बीमारों को दवाई ले दी, मेडिसिन लेकर दे दी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक बात का ध्यान रखना, जब उम्र अधिक हो जाए, जहां आपको पता हो कि मेरी मौत नजदीक है, इस तरह की सिचुएशन हो, तो उस समय अपने परिवार से बिल्कुल मोह कम कर देना, तो आपका अगला लोक भी अच्छा रहेगा, गति अच्छी होगी। इस बात का खास ख्याल रखना। इसके अलावा अपनी लड़कियों का, अगर लड़की संतान है या अपनी बहनों का, जितना अधिक करोगे उतना ही आपका धन बढ़ता जाएगा, राहु शुभ फल देता जाएगा। अब कुछ नियम वो भी आपको बता देता हूं कि ये कैसे पता चले कि मेरी कुंडली में राहु शुभ है कि अशुभ है। शुभ तब है अगर आप अपने जीवन के फैसले क्यूक ले लेते हो, चुटकियों में डिसीजन ले लेते हो, ये कार्य करना है तो करना है, ये वस्तु खरीदनी है तो दिमाग में आया खरीद ली, तो राहु शुभ है। रिस्क ले लेते हो, लाख दो लाख तीन लाख जितनी क्षमता उसका रिस्क ले लेते हो तो राहु शुभ है। इंटरनेट का यूज यदि करते हो अपने कामों में, ये नहीं कि बैठे बैठे गाने देखते रहे, व्हाट्सएप पर टाइम खराब करते रहे, ये तो आजकल सभी करते हैं, ऐसा नहीं। इंटरनेट का यूज जिसके कारण आपको लाभ होता हो, आपकी प्रसिद्धि होती हो या धन लाभ होता हो, तो राहु शुभ है।
कितनी भी तरक्की कर लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन ग्राउंड से जुड़े रहो। पता हो कि मैं कहां से उठाऊं, अहंकार ना आए तो राहु आपका शुभ है। अब शुभ के बारे में भी बता देता हूं दो तीन पॉइंट। जब छोटी उम्र में आपकी मेमोरी वीक हो जाए, याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाए, चीजें रखकर भूल जाओ, जाना कहां हो, पहुंच कहां जाओ, रास्ता गलत चूज कर लो, तो समझ लो कि राहु बुरा प्रभाव दे रहा है। परिवार का माहौल अचानक खराब हो जाए बिना वजह से, अगर वजह हो तब तो कोई और ग्रह होते हैं, बिना वजह से गलत फहमियां हो जाए आपस में, तो समझ लो कि राहु अशुभ फल देने लग गया। अचानक नाखून टूटने लग जाए, बाल झड़ने लग जाए, तो समझ लो राहु अशुभ फल देने लग गया। इसके अलावा घर में जो छत पर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे कोई थमले वगैरह बने हुए हैं छत पर, कोई भी चीज बनी हुई है, वो टूटने लग जाए, तो समझ लो राहु अशुभ फल देने लग गया। घर में जो गमले पड़े हुए हैं उनमें लगे पौधे अचानक सूखने लग जाए, तो आप समझ लो कि राहु अशुभ फल देने लग गया। तो ये है अशुभ राहु की निशानियां और शुभ राहु की निशानियां। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बहुत ही मायावी ग्रह राहु के ऊपर और राहु के चमत्कारों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।